नहीं लिया ब्लैंकेट? कौन सा वाला? वो बहुत बड़ा ब्लैंकेट है, मेरे को वो हैम्पर टाइप का चाहिए था, वो जैसे लपेट नहीं देते ब्लैंकेट में बच्चे को, वो वाला। ये तो पूरा बिछाने वाला था। हाँ, तो मेरे को इस तरह का, मेरे को शायद ये लगा कि इस तरह का होगा छोटा सा, मेरे को क्या आइडिया, वो तो बहुत बड़ा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोमिराज। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो कल का दिन यार बहुत बहुत ज़रा जो है ना वो ऐसा गुजरा के लाइट नहीं थी, और आई थिंक कि आप लोग कभी ऐसा ही गुजरा होगा बहुत जो है ना टेंशन में। तो हम लोगों ने कल लेकिन जो है ना कैंडल लाइट डिनर कर लिए इसी बहाने, तो बहुत इन्जॉय किया और थोड़ी टेंशन भी थी। तो खैर अभी ये है ना कि आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, और क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं छोटे बेबी के कपड़े लेने के लिए। तो मेरे साथ ही आप लोगों ने बने रहना, और सर्दी काफ़ी हो गई है और ये ना पीछे पीछे मेरे रहती है कैश, अभी मेरे पैरों के साथ चिपकी हुई है देखो। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं फिर बाहर बाजार के लिए। तो नाश्ता वास्ता हम लोगों ने कर लिया, चले फिर उठो चलो चलो। अभी हम आए थे यहाँ शॉप पे, बहुत अच्छी चीजें हैं छोटे बेबीज की, बॉटल्स हैं, बैग्स हैं। नहीं ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, येलो येलो ये भी है ना, ये देखो इनमें देखो जो आपको समझ आ रहा देख ले। ये ब्लैंकेट है अच्छे सही है। तो ये अभी इनको दिखा रहे हैं कपड़े। कलर और नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं बेबी ब्लैंकेट। और एक और डिजाइन और कलर है, ब्लू में है, ब्लू में नहीं है, येलो। नहीं लिया ब्लैंकेट? कौन सा वाला? वो बहुत बड़ा ब्लैंकेट है, मेरे को वो हैम्पर टाइप का चाहिए था, वो जैसे लपेट नहीं देते ब्लैंकेट में बच्चे को, वो वाला। ये तो पूरा बिछाने वाला था। हाँ, तो मेरे को इस तरह का, मेरे को शायद ये लगा कि इस तरह का होगा छोटा सा, मेरे को क्या आइडिया, वो तो बहुत बड़ा है। सो फाइनली थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हमने कर ली, अभी सैलरी तो आई नहीं है, लेकिन जो है ना थोड़ी शॉपिंग आज कराते हैं। तो बाकी अभी जो है ना अभी जा रहे हैं घर पे। यहाँ पे देखो बाय वगैरह कितने प्यारे हैं, पोनीज चलेंगे कल चलेंगे। सही है, मिरर देखो कितने प्यारे हैं। मैं जो अपना सलोन बनाऊँगी ना, मैं इस तरह के मिरर्स लगाऊँगी, मुझे मिरर्स बहुत पसंद है। मिरर हो गए, फ्लावर्स हो गए, बहुत प्यारे हैं। हाँ, तो अभी सब पूछेंगे भी कौन से बाज़ार आए हुए। तो हम लोग आए हैं कौन सी मार्केट है, ये गुल प्लाजा, गुल प्लाजा है ये सदर की तरफ। तो अभी निकलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से मतलब निकाला लोग की सबकी जो है ना शॉपिंग इधर से ही की है। तो ये ऊपर से आपको जो है काफ़ी रिजनेबल मिल जाते हैं, कि नीचे वाला जो बेसमेंट है यहाँ पर थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने यहीं से शॉपिंग की है सारे। तो काफ़ी चीज़ें भी से ले ली आज हमने, कप वप भी लिए। उसे मैंने अम्मी को बोला था कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ लेके नहीं देता बोला तो कप का। तो खैर अभी हम लगाए ना पत्ती, जैसे सदर से ना पत्ती बहुत अच्छी बैठी है, तो मिक्स पत्ती होती है इनके पास ना, हाँ जी। तो यहाँ से मम्मी तो 250 का लेकर जाती थी, यहीं से ले। ये मिक्स है ना, मम्मी लेके ले जाती है अपने टाइम, अभी अभी तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं चपली कबाब। यहाँ का चपली कबाब बहुत अच्छा है खाले पोल का ना, तो वो ले रहे हैं साथ लेने चपाती। तो आज बहुत स्टॉप लग गए हो गए हैं, थक गए हो गए बहुत। कोई बात नहीं, ये तो घर के काम है। हाँ, हम लोग आ गए हैं घर पर, अभी आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि ना उसकी कैश के लिए खाना बना लो, तो मैंने चिकन उसका रख दिया है बॉयल, और यहाँ पर जरा मैं देश की बेची हंगा लो चाय पियेंगे। तो दोपहर में ना चाय का कुछ मजा नहीं आया, तो पत्ती हम लोग जरा सदर से लेकर आए हैं। हाँ वो ले आओ, तो वो बहुत अच्छी पत्ती होती है, आप लोग भी वहाँ से ले सकते हैं, खुली पत्ती होती है उनकी, बहुत मजे की होती है। व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शॉप दिखाई आपको सदर में, उनकी शॉप है, सिर्फ पत्ती ही मिलती है उनके पास, तो फटाफट से देश की मंगालों पर मिलती है। ये हमारी चाय यहाँ बन रही है, और आजकल हम कैफ को रोटी भी डालते हैं, क्योंकि देखो रोटी में जितनी प्रोटीन होती है ना वो किसी और चीज में नहीं, ऐसी है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैंने क्योंकि सुजू की थे वो चिकन ही खाती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना कैश हर चीज खाए, सब्जी भी खाए, इसको मैं सब्जियां भी देना शुरू करूंगी,
थोड़ा सा फूड पॉइजन हो जाता है इनको। अच्छा बड़ा हो जाएगा ना फिर मसला नहीं, फिर मतलब लेकिन एक बात बोलो अभी से जो उसको चीज दूंगी नहीं खाने। इतना छोटा है वो महीने दो महीने का, कम से कम तीन चार महीने का भी नहीं होगा। हाँ तो यही बात है, चार महीने का अभी अपनी देख ना उसको। और ये पीछे पीछे आ रहा है, पौंग नीचे आने लगा था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें ली हैं। तो ये हमने लिया है एक गद्दा जिसमें ऐसे छोटे बेबी को रखेंगे ऐसे करके, और ये इतना प्यारा है देखो सर, इसमें डब्बालू बने हुए हैं पूरा टैडी की तरह बना हुआ है, बहुत खूबसूरत के पाँव भी बने हुए हैं पूरा, लाइक जैसे भालू होता है ना उसकी तरह बना हुआ है ये, ठीक है। और ये हमने लिए हैं शूज, ये लिए हैं सॉक्स, और ये है रुमाल जो बच्चों के मतलब साफ वाफ करते हैं जैसे वो दूध पीता है तो दूध वगैरह के बाद या कुछ भी सिरलैक्स वगैरह खिलाते हैं। लिया है एक रोमपर। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद क्या छोटे छोटे आई लव मम्मा आई लव डैडा, ये सही है ना, हमने सही लिया ना दोनों मम्मा डैडा एक साइन, एक आया था लव डैडी, तो मैं क्या डैडी वाला ले लिया ना तो फिर डैडी नाराज हो जाएगा, तो अगर मम्मा वाला लिया तो फिर डैडी नाराज हो जाएगा। ये क्या कितनी प्यारी है इसकी, और ये साथ छोटी सी पैंट। हाँ वो वाली साइड है, ये देखो दोनों तरफ ना वो बने हुए हैं, बड़ी साइड ज्यादा प्यारा है, कितना प्यारा सूट है ना। ये जो है ना ये वो है कंबल है जैसे बच्चे को नहला लेते हैं तो इसमें बात बात का है वो भी है, और नॉर्मल भी आप बाहर भी लेके जा सकते हो। अच्छा मतलब ऊपर पूरा कार्टून बना हुआ है। मुझे ऐसा और चाहिए थे, तीन सेट वाला था लेकिन वो अच्छा मिल नहीं था रहा कोई इस कपड़े में था, तो मैं चाह रहा था कि जैसे विंटर का होता वही हो। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला पूरा सेट है, वो कैप है और ट्राउजर है, इसके ऊपर जैसे वो सो रहा है तो काका भी ऐसे सोएगा है ना। तो ये हमने एक छोटी सी की थी शॉपिंग, तो भी और भी चीजें झूला वूला चीजें लेनी है, और भी सारी चीजें लेनी है क्योंकि तो आगे एक प्रोग्राम उसके बाद नहीं आई, तो सैलरी पे हम लोग जो ना फिर तो जैसी पेमेंट आएगी फिर हम जाएंगे झूला वूला लेकर आएंगे अच्छा सा। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो छोटी छोटी ये चीजें। आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा ड्रेस? एक तो ये वाला और एक ये नीचे। एक अभी लेके आऊंगी रोमपर का सेट, पूरी शीट और वो मिलता है ना तो वो सारा लेकर आऊंगी, तो इसको जल्दी से ना पैक करते हैं अभी। एक साइड से मिल रहा था वो लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बोल रहा था, हालांकि ऑनलाइन मैंने देखा तो ऑनलाइन फिर भी सही दे रहे थे। बच्चों के कपड़े बहुत महंगे हो गए यार, बच्चों के ज्यादा महंगे कपड़े हैं तो हमारे टाइम पे कितने महंगे हो जाएंगे, बड़ों के भी महंगे। मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस सात हजार का बच्चे का लेना ही अपने लिए अपने लिए भी क्यों देखे भी क्या कर रही मेरी शक्ल देख, 7,000 का ड्रेस मैं आज तक 5 रुपए से 2,000 से ऊपर कोई चीज नहीं पहनी। अल्लाह सिलास लाया है, और आजकल चल रहे हैं ऐसे फिल वाले दुपट्टे वो वैसे साइड पे, मैं तो 500 रुपए के शूज पहन लेते इतना बड़ा कर लेता। ये इतना झूठा है, इसको बर्थडे पे 7,500 रुपए के शूज लेके दिए और एक 10,000 रुपए के शूज लेके दिए। मैं तो नहीं ना लिए, मैं खुद तो नहीं ना लिया। फिर वो कितने की 15,000 की जैकेट, 18,000 की जैकेट, बस कर झूठ बोल दिया। वो भी कौन से, वो 2,000 वो मार्च से लुलु वहां तो सेल भी नहीं लगती लेकिन खैर कोई बात नहीं, बात पैसे की नहीं होती प्यार की होती है, प्यार अहम होता ज्यादा, वो बड़ा होता है आपके लिए ना के पैसे। मैं तो अपनी लाइफ में यही सीख है। अभी मैं ही बताऊं आपको क्या आपने क्या क्या लिया है, सारी चीजें क्या क्या लिया है, कितनी कितनी महंगी ली है क्या बताऊं, मैं तो कुछ शॉपिंग ही नहीं की पता दुबई से। मैंने तो कुछ भी नहीं, एक अदद मोबाइल लिया है। हाँ। तो वो भी मैंने कभी पकड़ा नहीं है, मेरे हब्बी इसमें पबजी खेलते हैं। हाँ, मार मार, हाँ, पत्थर के पीछे। अच्छा लिया इसने है, बात सुनना, इसने मुझे बोला था कि मुझे चाहिए चाहिए, मैं कहती ले ले, लेकिन ये चलाती नहीं है, ये क्यों नहीं चलाती, ये बड़ी साइज में अब बड़ा है, जबकि पहले भी इसने यही यूज किया है। ये पसंद है, इसलिए मसला ये मैं इसलिए ज्यादा दिल नहीं लगाती क्योंकि फिर मैं इसको एनी टाइम अपने हाथ में कैरी करूंगी, बाहर हमारे कराची के लास है नहीं है, तो ये हमारा होम मोबाइल है, हम इसको घर पे ही यूज करते हैं, ये इधर ही रहता है। हाँ। ये बेचारा इधर ही घर का है, घर का लगा है। अभी कहती मुझे ब्लॉग में ना, हाय टू एवरीवन, से हाय टू एवरीवन, हाय टू एवरीवन,
सही है। और कुछ नहीं, बस ये कि कल अभी क्लास है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो अभी जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। और आप सबने मेरे लिए दुआ करनी, मंडे को मेरा टेस्ट है कि मैं अपना टेस्ट अच्छे से अचीव कर सकूं। तो वहाँ पे सब लड़कियां एक दूसरे को ना नेल्स लगा रही हैं, तो लेकिन मैंने जिसके साथ लगाने थे उसने किसी और पार्टनर को चूज़ कर लिया, तो मेरे साथ कोई है नहीं था, मैंने मिस अलाउ भी नहीं करती घर से कोई लेकर आओ, तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि क्यों ना मैं क्यों ना अपनी पार्टनर बन जाऊँ। इंसान सबसे अच्छा दोस्त अपना खुद होता है। हाँ, तो और वैसे भी मुझे मेरे हाथ से प्यार है और मुझे अपने हाथों का अंदाज़ा भी है, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं अपने हाथ पे खुद करूँगी। अच्छा डिसीजन है ना, तो मैंने आती उसके बाद आप ट्राई करते रहना, क्लाइंट आपके पास आते रहेंगे। हाँ, जैसे किसी के ऊपर भी कर लिया, बाजी के ऊपर, सदक बाजी के, और बहुत और आप सब भी आ सकते हैं मुझसे नेल्स लगवाने के लिए। मैं कुछ सामान मैंने ले ली, कुछ लूंगी, तो ये क्या एक टाइम का ही खर्चा है, फिर बाद में जो ना आप उसको यूज़ करते रहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो खैर, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और खूब सारा प्यार देना। प्लीज़ यार वीडियो को स्किप नहीं किया करो और चैनल को लाइक कर देना और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और कोशिश करो अपने फेसबुक वगैरह पर भी जो है ना मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करो आप लोग। तो मिलेंगे आपसे कल अच्छे से व्लॉग कर, तब तक के लिए बाय।